हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी का जब एग्ज़ाम कैलेंडर आया तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसी के तहत एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है 23 दिसंबर को, यानी कि कल ही ये नोटिस आया है। और साथ ही कल से ही इसके जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो भी आ चुकी है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्या है, जो ग्रेजुएशन है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आप अपीयरिंग में भी दे सकते हैं, क्या एज रहेगी, क्या रिजर्वेशन मिलेगा, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं, और कुछ पोस्ट नई भी ऐड की गई हैं अब की बार एसएससी सीजीएल में, तो वो क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस किस में टीयर वन टीयर टू होगा या आगे भी होंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो ये था एसएससी का एग्जाम कैलेंडर, जिसमें कि सीजीएल में आप देख सकते हैं 23 दिसंबर को एडवर्टाइजमेंट तो तभी आ चुकी है और 23 जनवरी तक आप जो है फॉर्म फिल करने की क्लोजिंग डेट रहेगी और एग्जाम आपका रहेगा अप्रैल में। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो ये दो नोटिस है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, एक नोटिस है पूरा जॉब के बारे में और एलिजिबिलिटी पूरा नोटिफिकेशन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एक और है जिसमें कि फोटो को लेकर या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी गई हैं, एक एक करके नजर डालेंगे। इससे पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फिर आपको कि फॉर्म कैसे भरना है या फिर सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेगी। तो शुरू करते हैं, नोटिस को देख लेते हैं वन बाय वन करके कि क्या क्या कहा गया है। तो नोटिस 23 दिसंबर जो एग्जाम डेट थी उसके अकॉर्डिंग आ चुका है, जो नोटिफिकेशन था एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग 23 दिसंबर को नोटिस आया है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो है https://ssc.nic.in पर, ठीक है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपका एग्जाम होता है सीजीएल, उसके लिए नोटिफिकेशन है। फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं 23 दिसंबर से ही और 23 जनवरी तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट या टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी दोस्तों 23 जनवरी तक। दो दिन और आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे ऑनलाइन पेमेंट करने के, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के लिए दो दिन एक्स्ट्रा है 25। और जो आपका ऑफलाइन चालान है उसका भी लास्ट डेट, अगर आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हो, ऑफलाइन डेट का लास्ट चालान का डेट है 26 जनवरी और लास्ट पेमेंट डेट जो है चालान के थ्रू वो आप करेंगे 27 जनवरी ऑफिस वर्किंग आवर्स के, जो आवर्स होते हैं बैंक के उसके अकॉर्डिंग ही। और डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे, 5 दिन बाद विंडो ओपन हो जाएगी। 28 जनवरी से आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट में भी, और 1 फरवरी तक आपका ये रहेगा, तो ये आपको 4-5 दिन यहाँ पर मिलेंगे। एग्जाम जो है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, टीयर वन होगा आपका, पहले वो होगा अप्रैल 2022 में, उसके बाद जो भी टीयर टू होगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर टीयर थ्री होंगे उसके लिए नोटिफिकेशन आप लोगों को बता दी जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें पोस्ट के बारे में, तो ये पोस्ट आप देख सकते हैं काफी सारी पोस्ट है, ग्रुप बी इसमें पोस्ट होती है और साथ ही इसमें ग्रुप सी भी पोस्ट होती है, और ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टेट्यूटरी बॉडीज या फिर ट्रिब्यूनल्स में ये होती है पोस्ट। तो डिटेल के पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पोस्ट है ग्रुप बी एज लिमिट, और यहाँ पर भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जो अब की बार नई ऐड की गई हैं सीजीएल में। तो तीन पोस्ट हैं जो नई ऐड की गई हैं सीजीएल में, असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर, और इसके अलावा असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट इन इंडियन कोस्ट गार्ड। ये जो है ये तीन पोस्ट इसमें और भी ऐड की गई है अब की बार। तो एक एक पोस्ट देखते हैं। सबसे पहली पोस्ट आप देख सकते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ये होगा आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएनएजी में। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये ग्रुप बी गेजेटेड है और इसके लिए एज लिमिट है आपकी 18 से 30 साल। ये 18 से 30 साल कहां से कैलकुलेट करनी है, कौन सी डेट से मान्य होगी वो नीचे देखेंगे, एज जहां पे दिए होंगे सारी डिटेल्स वो भी इंफॉर्मेशन आपको बता दूंगी मैं। सेकंड है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये भी आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएनएजी में है, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है और इसके लिए भी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल रहेगी।
तीसरा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी बात करें हम तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज है यहाँ पे, ग्रुप बी की ये पोस्ट है और एज लिमिट इसमें है आपकी 20 साल से लेकर 30 साल तक की। अगली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है और इसके लिए एज लिमिट है 18 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, तो यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट है और एज लिमिट आपकी 20 से 30 साल रहेगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये पोस्ट है, ग्रुप बी की है, यहाँ पे एज लिमिट रहेगी आपकी 20 से 30 साल। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो है AFHQ डिपार्टमेंट में, ग्रुप बी पोस्ट है ये, 20 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है और इसके लिए एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल रहेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में, ये किसी में भी हो सकती है, तो ग्रुप बी है ये और यहाँ पर भी एज लिमिट आपकी 20 से 30 साल रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 साल इसके लिए एज लिमिट रहेगी। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए है CBDT में, ये ग्रुप सी पोस्ट है और ये आपकी 18 से 30 साल एज लिमिट रहेगी इसके लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है ग्रुप बी की वो है इंस्पेक्टर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज में, CBIC की डिपार्टमेंट में, ग्रुप बी की पोस्ट, 18 से 30 साल इसके लिए एज लिमिट रहेगी। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर जो कि होगा प्रिवेंटिव ऑफिसर CBIC में, ग्रुप बी की ये पोस्ट है, यहाँ पे एज जो लिमिट रहेगी वो रहेगी आपकी 18 से 30 साल। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर एग्जामिनर जो कि CBIC है में और ग्रुप बी की पोस्ट है ये भी और यहाँ पे एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल रहेगी। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर यह है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है दोस्तों सब इंस्पेक्टर की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ग्रुप बी की पोस्ट है, 20 से 30 साल एज लिमिट रहेगी। इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में यह रहेगा आपका ग्रुप बी के लिए और जो इसकी एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 18 से 30 साल। नेक्स्ट इंस्पेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 साल के लिए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड में, यहाँ पे ग्रुप बी है आपकी ये भी और 18 से 30 साल इसकी भी एज लिमिट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट है, ये एक तो है अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में और एक है नेशनल कंपनी लॉ एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में, NCERT जो कि नई पोस्ट एड हुई है, ये यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट है और 18 से 30 साल यहाँ पे दोनों के लिए एज लिमिट रहेगी। नेक्स्ट है रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी नई एड पोस्ट हुई है तो ग्रुप बी है यहाँ पे 18 से 30 साल के लिए। डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर्स अंडर CA and AG में, ये भी ग्रुप बी पोस्ट, 18 से 30 साल इसकी भी एज लिमिट रहेगी। नेक्स्ट बात करें तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ग्रुप बी की पोस्ट है ये, 18 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट रहेगी। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है ये MO स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 32 साल इसकी एज लिमिट रहेगी। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया, ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट रहेगी। नेक्स्ट है ऑडिटर ऑफिसर अंडर CA and AG, ग्रुप सी की पोस्ट है और इसकी एज लिमिट रहेगी आपकी 18 से 27 साल। ऑडिटर आपका अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स, ग्रुप सी की पोस्ट है ये, यहाँ पे 18 से 27 साल एज लिमिट है। कुछ और भी पोस्ट है ऑडिटर है, जैसे ऑफिस अंडर CGDA, यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट है ये, बाकी सभी अभी 18 से 27 साल सबकी एज लिमिट रहेगी। तो अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर CA and AG, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड मिनिस्ट्री अदर देन CSCS कैडर में,
टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी और सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, ये सभी ग्रुप सी की पोस्ट हैं और 18 से 27 साल इनकी एज लिमिट रहेगी। बाकी अगर आपको वैकेंसी और रिजर्वेशन के रिगार्डिंग आपको डिटेल देखनी है कि कितनी कितनी पोस्ट है, तो अपडेटेड वैकेंसी पोजिशन जो है वो वेबसाइट पर आपको मिलेंगी। आप जाएंगे वेबसाइट पर, वहां पर आप कैंडिडेट कॉर्नर में टेंटेटिव वैकेंसी में जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ईएसएम की जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी के लिए ही रिजर्व रहेंगी। आप इंडियन होनी चाहिए, जो एलिजिबिलिटी होती है इंडियन हो, आप नेपाल भूटान जो भी हमारा कैटेगरी होती है तो इंडियन आप होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी देखी जाएगी 1 जनवरी 2022 से, यानी कि अगर 18 साल है तो 1 जनवरी 2022 को आप 18 साल के हो जाने चाहिए। एज लिमिट जो दी गई है, जो पोस्ट है जहां पर एज लिमिट 18 से 27 साल दी गई है, उसका मतलब है कि आप 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ हो। और इसके अलावा जो पोस्ट है जहां पर 20 से 30 साल दी गई है, उसका मतलब है कि आप 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में आपका जन्म हुआ हो। जो पोस्ट है जहां पर एज लिमिट है 18 से 30 साल, उसका मतलब है कि आपका जन्म 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ हो। जहां 18 से 32 साल है वहां पे मतलब कि आपका जन्म 2 जनवरी 1990 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ हो। तो यहां से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको फॉर्म एज के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अपर एज लिमिट और जो भी रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज वो आपको मिलेगा। जैसे कि अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी हैं तो 3 साल, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो 10 साल, लेकिन फिजिकल हैंडीकैप प्लस ओबीसी है तो 13 साल, और फिजिकल हैंडीकैप प्लस एससी एसटी है तो 15 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन होता है तो आपका 3 इयर्स। इसी तरीके से डिफेंस पर्सनल डिजेबल है ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलिटीज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 8 साल का आपका, जो बाकी सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप विडो हैं, डिवोर्स्ड वुमेन है, वुमेन है जो जुडिशली सेपरेटेड है और नॉट रीमैरिड है, तो आपको 35 साल तक की आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप एस सी एस टी भी हैं तो आपको प्लस 5 साल का यानी कि 40 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकती हैं। डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप एस सर्विस मैन हैं तो यहाँ पे क्या क्या आपकी कंडीशन अप्लाई होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगा। इसके आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट की अगर हम बात करें, तो जो भी आप अप्लाई करेंगे, जो भी कंडीशंस, अगर आप एस सी एस टी क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इसी तरीके से बीसी या फिर फिजिकल हैंडीकैप का भी। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है इस नोटिस में। टोटल 69 पेज का ये नोटिस है। अब क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशंस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशंस आपकी एज ऑन 23 जनवरी पे होनी चाहिए, यानी कि जब फॉर्म की लास्ट डेट है वहां तक आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये वहां तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है, तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो बेसिकली ज्यादातर जो पोस्ट है वहां पर आप देखेंगे आपको ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए। कुछ पोस्ट है जहां से कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है तो वहां पर आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ज्यादातर में आपकी ग्रेजुएशन ही है, जैसे असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो आप जिस भी कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं आपकी लगभग सब में ग्रेजुएशन ही है, तो आप पीडीएफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है और वहां पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है उसकी भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। फोटोग्राफ और साइन आपको जो प्रॉपर फॉर्मेट में रखना है। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसकी फीस होती है दोस्तों 100 रुपये, लेकिन अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, साथ ही आप एस सी हैं, एस टी हैं या फिर पर्सनल विद डिजेबिलिटी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको फीस पेमेंट नहीं करनी होती है, आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं भीम यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, वीजा मास्टर कार्ड मेस्ट्रो रुपए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, या फिर आप एसबीआई ब्रांच में जाकर ऑफलाइन चालान भी कटवा सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंडेंट है। फीस भरने की डेट क्या है वो ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। करेक्शन के लिए विंडो ओपन करेगी वो भी मैंने डेट आपको बता दी है। सेंटर ऑफ एग्जाम की बात करें तो ये यहां पर आप एग्जामिनेशन सेंटर भी देख सकते हैं, ये सेंटर दिए गए हैं। जैसे कि हम सेंट्रल रीजन की बात करें बिहार और उत्तर प्रदेश, तो ये है सेंटर आपके यहाँ पर। इसी तरीके से ईस्टर्न रीजन के आर के एम पी आर के, तो यहाँ पे इस तरीके से सारे एग्जाम सेंटर भी आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो आपका टीयर 1 और टीयर 2 होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, और टीयर 3 आपका जो होता है पेन और पेपर मोड यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और टीयर 4 जहाँ पे अप्लाईकेबल होता है डाटा एंट्री स्किल में या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, जहां पे अप्लाईकेबल होगा वहां पे आपका पेपर 4 भी होगा।
नेक्स्ट अब देखते हैं स्कीम, आप देख लेते हैं कि क्या 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 एग्जाम पैटर्न होगा। तो इसमें आपके फर्स्ट में चार आते हैं पोर्शन, आपका आता है जीआई एंड रीजनिंग, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस में भी आपके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। क्वांटिटी ऑफ एप्टीट्यूड में भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, और इंग्लिश में आपके 25 नंबर के 50 क्वेश्चन। तो आपको इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना चाहिए। एक घंटे का आपका टोटल पेपर होता है, 1 घंटा 20 मिनट, जो कि स्क्राइब लेकर आए अपने साथ उनके लिए। पेपर वन जो आपका होता है क्वांटिटी एबिलिटी का, उसमें आपके 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, और 2 घंटे का होता है आपका पेपर। पेपर थ्री जो इंग्लिश का होता है, उसमें आपके 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपके 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, और पेपर फोर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, वहां पे आपके 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, इस तरीके से होता है। नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 हर एक रॉन्ग मार्क्स के लिए टीयर वन में, ठीक है। टीयर वन और टीयर टू दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, और पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, बायलिंगुअल पेपर होता है। और टीयर टू में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी 0.25 होती है, तो दोनों में अलग अलग है नेगेटिव मार्किंग। और पेपर टू जो इंग्लिश वाला होता है, वहां पे मार्किंग आपकी सेम ही रहेगी, 0.50 फॉर नेगेटिव मार्किंग। स्कीम ऑफ जो टीयर थ्री है, वहां पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है हिंदी में या इंग्लिश में, उसमें आपको ऐसे लिखना होता है, प्रिसाइज लेटर, एप्लीकेशंस, ये सब लिखना होता है। 100 नंबर का पेपर होता है और 1 घंटा अलाउड होता है। पेन एंड पेपर मोड होता है, ये ऑनलाइन नहीं होता है। स्किल टेस्ट जहां पे भी अप्लाईकेबल होगा वहां होगा। सिलेबस आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेबस की आपको चैनल पर अलग से वीडियो भी मिल जाएंगी, तो यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस बताया गया है, वो आप एक एक टॉपिक यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा हम इस नोटिस के बारे में बात करें तो हमने एलिजिबिलिटी डिस्कस कर ली है, एग्जाम फॉर्मेट, सिलेबस, सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। फॉर्म कैसे भरना है वो आपको बता ही दिया जाएगा, चैनल पर दूसरी वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से देख लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे आपको, एजुकेशन वाले और आपके जो भी, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके कोई आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो सिग्नेचर, और इन सब के लिए आपको करना है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है इसमें टीयर वन में, वो जनरल कैटेगरी के लिए 30% होता है, ओबीसी के लिए 25% और अदर्स के लिए आपका यहाँ पर 20% यहाँ पर होता है। नेक्स्ट टाई केस होता है तो क्या है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आप एग्जाम क्लियर करेंगे, इन केस टाई होता है तो। और इसके अलावा इसमें कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, आप जो भी फॉर्मेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा, जैसे कि आप अपना स्क्राइब लेकर जा रहे हैं तो क्या अंडरटेकिंग देनी है, और यहाँ पर प्रोसीजर आपको बताया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। इस तरीके से आपका खुलेगा ओपन, और यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करके, और फिर आपको ये कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। ये मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कैसे फॉर्म फिल करना है, और इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको फोटोग्राफर में ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ्स आपका क्लियर हो, रिसेंट हो, इस तरीके से एक्स्ट्रा कलर या टू क्लोज या विद हैड कैप, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल फोटो आपका होना चाहिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। इसी तरीके की और वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर्स और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।